इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विजय वैसला ने सांसदों विधायकों को भेजा है कारण बताओ नोटिस। एमपीसी समाज के 5% आरक्षण से जुड़ा है मामला। आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने को लेकर पत्र भेजा है। पहली बार एक समुदाय के विधायकों सांसदों को भेजा है नोटिस। गुर्जर नेता विजय वैसला ने पत्र लिखा है। बड़ी खबर को बता रहे हैं, एमबीसी समाज के सांसदों विधायकों को पत्र लिखा गया है। विजय वैसला ने सांसदों विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गुर्जर नेता, जुड़े हुए हैं विजय वैसला जी। सर स्वागत है आपको न्यूज इंडिया में। हाँ नमस्कार ऋचा जी, कैसे हैं आप? सर जिस तरीके से आपने विधायकों सांसदों को नोटिस भेजा है कारण बताओ, क्या कुछ वजह रही है? नमस्कार मैम, ये हम तो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि हमारी 5% आरक्षण को नवीन अनुसूची में डालें। अगर आपको ध्यान होगा तो 30 जून को 2021 में हमने चिट्ठी लिख करके ईमेल और ट्विटर और बाकी सारे माध्यम से 16 के 16 जो सांसद हैं जो एमबीसी बाहुल क्षेत्रों से आते हैं, वैसे तो 25 आते हैं राजस्थान में, लेकिन 16 एमबीसी बाहुल से आते हैं, तो हमने उनको डायरेक्टली चिट्ठी लिखी थी कि ये जो मानसून सत्र है लोकसभा में, इसमें आप हमारे नवीन अनुसूची में डलवाएं हमारे आरक्षण को। 2019 में जीते थे इलेक्शन, 2019 से 20 हो गया, 20 से 21 हो गया, बहुत सारे लोकसभा सत्र होंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो हमने ऑफिशियली उनको लिख करके बताया कि आप करिए इसको डालिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत दुख वाली बात भी है कि 26 दिन निकल गए लोकसभा सत्र के, अब सिनेडाई मोड में आ गई, लोकसभा तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन किसी भी सांसद ने हनुमान धनीवाल जी के अलावा हमारी बात उठाई नहीं। और हनुमान धनीवाल जी ने भी एक पासिंग कमेंट किया था गुर्जर आरक्षण और जो शहीद हुए उनको लेकर के, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन बाकी 15 जो सांसद हैं इनके इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इनको या तो उनको चिट्ठी आती नहीं पढ़नी या उन्होंने समझी नहीं। भाई हम आप मुझे एक बात बताएं ऋचा जी, हम जब किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो जब ग्राहक होता है तो ग्राहक पैसे ही दे सकता है ना, मिठाई तो नहीं बना सकता जी। तो हमने तो वोट दे करके इनको मिठाई के पैसे दे दिए, अब हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं दुकान के सामने, भैया कब मिठाई बनेगी कब दोगे, ये तो दे ही नहीं रहे। देने की बात तो अलग है, ये तो पैसे लेकर के बैठ गए कि दे तो सही, हमारी तो हमें तो पता भी नहीं कि हमारी मिठाई है भी या सड़के फेंक दी गई है। हमें तो जवाब चाहिए। हम तो हमने इसीलिए ऑफिशियली एक समाज में मेरे ख्याल से पहली बार भारत के जनतंत्र में पहली बार अपने वोट का मुआवजा कार्य में मांगा है लिखित में। तो हमें उम्मीद है कि सांसद तो बहुत ही संवेदनशील एक पोजीशन होती है और वो अपनी पोजीशन का को ध्यान में रखते हुए हमारी बात का जवाब देंगे, क्योंकि जब हमने वोट दिए थे, समाज ने वोट दिए थे, तब पूछा नहीं था, हमने विश्वास के साथ दिए थे। अब अगर हमारी बात उठाई नहीं जाती तो विश्वासघात भी समझिए समाज के साथ जी। सर एक आखिरी सवाल आपसे जी, सर एक आखिरी सवाल, अगर जिस तरीके से आपने नोटिस तो भेज दिया है, अगर आपकी मांग को नहीं माना जाता तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी तरफ से? मैडम समाज सर्वोपरि है जी, बात आप समझिए जी। और जब एमबीसी समाज से ये लोग वोट जीत सकते हैं तो फिर एमबीसी समाज अपने निर्णय ले सकता है। अगर हम 2 साल का धैर्य रख सकते हैं तो फिर हम कार्य भी कर सकते हैं, तो समाज डिसाइड करेगा। हम समाज प्रथम है, जो भी इलेक्शन होते हैं कास्ट बेस्ड होते हैं, हमारा समाज सबसे आगे रहेगा, जो समाज डिसीजन लेगा वो डिसीजन मान्य होगा, वही हम कार्य करेंगे जी। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए।